अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय सिंगापुर की यात्रा के लिए शोर शराबा कर रहे हैं। अशोभनीय व्यवहार है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं और मुझे हंसी भी आ रही है। वो मेयर नहीं है लेकिन वो सिंगापुर में होने वाली मेयरों की मीटिंग में जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री है पर एक भी विभाग नहीं है। बिना किसी विभाग या मंत्रालय के वो देश में सिर्फ झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेयरों की मीटिंग में क्या बताना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे तीन तीन मेयर 15-15 दिन बैठे रहे और आप उनको फंड देने की बात तो दूर, अपने घर से निकल करके चार कदम मिल भी नहीं सकते थे? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में हर मोर्चे पर फेल सिद्ध हुए हैं, नाकाम सिद्ध हुए हैं। और सही मायने में देखेंगे तो इतिहास के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि ये पहला मौका है जब एक विभागहीन और मंत्रालयहीन मुख्यमंत्री सिर्फ अपने झूठ परोस रहे हैं पूरे देश दुनिया में और दिल्ली का फजीहत कराने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अच्छा होता अरविंद केजरीवाल जी कि आप सिंगापुर की यात्रा के लिए इस तरह से रोना पटन करने की बजाय दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाते, जहां मैं 30-30 रात दिन रह करके उनकी समस्याएं आपको बताया, वो पानी के लिए परेशान है, वो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए परेशान है, शौचालय के लिए परेशान है। अगर आप उनके पास जाकर के पूछते दिल्ली के लोगों में कि कहां कहां जल जमा हो रहा है, तब शायद दिल्ली के लोग आपको धन्यवाद देते। वरना आज आपका नाम सुनने के बाद दिल्ली के लोग, देश के लोग हंस रहे हैं। सिंगापुर यात्रा क्यों?